हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई पैशन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो सीरीज में यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज, राइट। तो इस सीरीज में हम 1995 से लेके अभी तक यूपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। बेस्ट वे टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज टू सॉल्व देम सब्जेक्ट वाइज, इसलिए हम यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। काफी फेमस है लिंगराज टेम्पल और इसमें बहुत लोग गलती करके आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल। जनरली लोग बाग इसका आंसर या तो बीजापुर करके आते हैं या श्रवण बेलगोला, ये वाला सेकेंड या फोर्थ ऑप्शन करके आते हैं, पर वो नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब ये किसने बनवाया था? अब वहाँ की एक यति करके किंगडम था, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है, यति किंगडम, राइट। कहाँ पे? उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो इसका ऑप्शन है ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए लिस्ट वन दे रखी है एंड लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में क्या है? भक्ति सेंट है, तो इससे पता लगता है ये चारों जो थे ये भक्ति सेंट थे, ठीक है। इनका प्रोफेशन यहाँ पे दे रखा है तो उससे मैच करना है। अब देखिए पहला है नामदेव। नामदेव कौन थे? नामदेव क्या थे? नामदेव टेलर थे, ठीक है। कबीर, कबीर क्या थे? कबीर वीवर थे, जो कपड़ों की बुनाई वगैरह करते थे ना, वीवर। और रविदास, रविदास थे कॉबलर, मतलब मोची। सेना, सेना क्या थे? बारबर, ठीक है, तो ये बारबर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब एक चीज और है कि जितने भी भक्ति सेंट थे ना, कई बार एग्जाम्स में इनके नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट सर्विसेज, एसएससी सब में आता है रामानंद। और रामानंद इनका बॉर्न कहाँ पे जन्म हुआ था? इनका अलाहाबाद में जन्म हुआ था, ठीक है। और वो इन सबके गुरु थे। और एक चीज और फेमस है, दैट ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रोपोगेट मैसेजेस इन हिंदी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने जो अपने मैसेजेस थी वो प्रोपोगेट किए थे, कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी में, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में आया गया है, यूपीएससी ने भी पूछा ये वाला क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चंगेज खान था वो कौन था? चंगेज खान था मंगोल किंग, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मंगोल डायनेस्टी, राइट। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा है कि जब चंगेज खान इंडिया में आया था उस समय इंडिया में किसका शासन था? तो उस समय शासन था इल्तुतमिश का। अब चंगेज खान ने इंडिया पर आक्रमण क्यों नहीं किया था? ये क्वेश्चंस भी कई बार बनता है। तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि चंगेज खान एक पर्शियन किंग था, उसका पीछा करते हुए इंडिया आया था। और जो यहाँ का किंग था इल्तुतमिश, उसने पर्शियन किंग को पनाह देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको लगा कि अगर वो उसको पनाह देगा तो चंगेज़ खान से उसकी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उसने पनाह देने से मना कर दिया था। तो और इस तरह उसने इंडिया को चंगेज़ खान के अटैक से बचाया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, मतलब गेट ऑफ मक्का, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। सूरत वॉज कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का, राइट, क्योंकि यहीं से इसी पोर्ट से पिलग्रिमेज के लिए जाते थे मुस्लिम्स मक्का के लिए, राइट, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? गेट ऑफ मक्का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और वो किसने स्टार्ट किए थे। तो पहला है दीवान ए बंदगानी,
दीवाने बंदगानी होता था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, राइट। कई बार ये क्वेश्चन अपने आप में ही पूछा जाता है कि दीवाने बंदगानी किसने स्टार्ट किया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो ये सही है ऑप्शन, राइट। फिर सेकंड है दीवाने मुस्तकराज, ये किसने स्टार्ट किया था? इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि ही स्टार्टेड हैविंग स्टैंडिंग आर्मी एंड स्टार्टिंग पेइंग सैलरी इन द कैश, ठीक है। तो यही डिपार्टमेंट था जो कैश में उनको सैलरी पे करता था। अब थर्ड है दीवाने कोही, दीवाने कोही का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ना कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर है दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सो दिस वॉज स्टार्टेड बाई बलबन, राइट। तो इसमें से कौन सा सही है? सिर्फ फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो असर्शन क्या दिया हुआ है? बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए, ये स्टेटमेंट के बारे में पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में, किस किस के बीच? बाबर एंड राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इन 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, राइट। अब 1526 में यहाँ पे भी बाबर जीत गया था और यहाँ पे भी बाबर जीत गया था, बैटल ऑफ खानवा में एंड बैटल ऑफ पानीपत में भी बाबर जीत गया था। तो पहले बाबर ने अटैक किया और बैटल ऑफ पानीपत में फाइट हुई और बाबर जीत गया, उसके बाद उसने बैटल ऑफ खानवा में लड़ाई हुई और फिर से बाबर जीत गया, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो खानवा की जो फाइट थी दैट वाज मोर सिग्निफिकेंट एंड डिसिसिव देन द बैटल ऑफ पानीपत, तो ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि उसके बाद बाबर की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला इंडिया में कोई भी बड़ा किंगडम नहीं रहा, राइट। अब रीजन क्या दिया है? बिकॉज राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली ए मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी, ये वाला पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें देखिए मैप दे रखा है ये, और ये बताना ये जो एरिया था ये किसके किंगडम को शो करता है, ठीक है। द शेडेड एरिया इन द अबव मैप शो द एम्पायर ऑफ, ये शो करता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ कब गद्दी पर बैठा था? 1628 में, राइट। ये कैसे पता लगता है हमें कि ये शाहजहाँ का है? देखिए, क्योंकि इसमें इसने दिखा रखा है कि जो गोलकुंडा है और बीजापुर है ये किंगडम में नहीं है, ये किसके टाइम पे किंगडम में आए थे? औरंगजेब के टाइम पे, राइट। तो किसका किंगडम हो गया? शाहजहाँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेन टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। देखिए, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि हिंदी को फर्स्ट टाइम एज ए मीडियम यूज किया गया था अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये बताया था ऊपर भी कि ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, राइट। और ये भगवान राम, ये भगवान राम को मानते थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विद रेफरेंस टू द मेडाइवल इंडियन रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट बताना है, कई बार इनकरेक्ट भी होता है, तो ये सब ध्यान रखना है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेट अप ए सेपरेट अर्ज डिपार्टमेंट, ये गलत है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था ये, डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज मतलब डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये इस्टेब्लिश किया था बलबन ने, राइट। सेकंड क्या है, बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ना कि बलबन ने, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाई हिज अंकल टू द मिलिट्री। ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आया था, राइट। अब ये फिरोज शाह तुगलक उसका कज़न था, ना कि अंकल, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, अब ऑब्वियस है कि फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि करेक्ट बताना है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। फिरोज शाह तुगलक सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ये देखिए, ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते थे दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान करके, राइट। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था स्लेव्स के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज। अब देखिए, क्वेश्चन ऊपर भी आया था, उससे मैं भी डिस्कस किया था कि शाहजहां ने ये जो बल्क कैंपेन है, ये बल्क कौन से रीजन को बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, उस वाले एरिया को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योर ए फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदखान विच बॉर्डर्ड काबुल, ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए, क्योंकि वो चाहता था जो उसका नॉर्थ फ्रंटियर जो बॉर्डर था उसको सिक्योर करना, इसीलिए उसने बल्क कैंपेन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तथा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।